और इधर महाकाल में भी राखी का पर्व मनाया जा रहा है। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को राखी बांधी गई है। महाकाल मंदिर को आकर्षक फूलों से आज सजाया गया है। विशेष साज सज्जा की गई है। बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए, बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के बाद बाबा को राखी बांधी गई और उनसे आशीर्वाद लिया गया। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। तो आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और बाबा को आज राखी अर्पित कर रहे हैं। तो विशेष भोग भी आज लगाया जा रहा है। मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है। फूलों के साथ मंदिर की सजावट की गई। तस्वीरें आपके सामने। आकर्षक राखी लेकर श्रद्धालु पहुंचे और बाबा महाकाल को राखी बांधी है। चावंदन महापर्व काल की आप सबको शुभकामना। बाबा महाकाल का आशीर्वाद, खूब आनंद हो, खूब मंगल हो सबका। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त रक्षाबंधन महापर्व काल मनाया गया है। भस्म आरती में परंपरा अनुसार पहली राखी भगवान महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से चढ़ाई गई है। तत्पश्चात भगवान महाकाल की आरती की गई है। आज सुबह प्रातःकाल भगवान को महापंचामृत पूजन किया गया। उसके बाद भगवान को भांग का श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान को भस्म चली गई, भस्म से स्नान किया गया। उसके बाद भगवान को राखी होने चढ़ाई गई। राखी कई शहरों से आई है, दिल्ली से आई है, इंदौर से आई है, उज्जैन से भी आई है। घर परिवार ने, पुजारी परिवार ने भी बाबा को राखी बना के, हाथों से बनाकर भगवान महाकाल को अर्पण करी है। हर त्यौहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है। देश विदेश में आज राखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आज सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती, भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को पुजारी परिवार द्वारा रक्षा का सूत्र बांधा गया, रक्षा राखी बांधी गई और बाबा महाकाल से सभी बहनों ने आशीर्वाद भी मांगा है। और जिस प्रकार पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, उससे निजात पाने के लिए बाबा महाकाल से कामना भी की है। हमारे साथ इस समय मंदिर के पुजारी हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हर त्यौहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है। आज भी इसी कार्यक्रम में रक्षाबंधन बांधा गया, क्या मान्यता है? अवंतिकाया महितावतारम मुक्ति प्रदानाय भविष्यजनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम श्रेत्रम। विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में अपने स्थान है। आकाशे ताड़का लिंगम, पाताल हटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। मृत्यु के लिए, मृत्युलोके अधिपति भगवान महाकाल माने गए। जो भी त्यौहार आता है, जो भी पर्व मनता है, भगवान महाकाल से ही शुरू होता है। दीपावली पर्व एक दिन पहले मनाया जाता है। दशहरे की सवारी भगवान महाकालेश्वर की यहाँ से 4 बजे निकलती है। सबसे पहले दशहरा मनाया जाता है। उसी की तारतम्य में भगवान महाकालेश्वर की रक्षाबंधन, जो विश्वव्यापी रक्षाबंधन है, वो आज महाकालेश्वर की भस्म आरती हुई। भस्म आरती में सब दर्शनार्थी आए, भक्त लोग आए, भगवान महाकालेश्वर को राखी चढ़ाई और अपनी अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने भाइयों की रक्षा के लिए, दो देश बॉर्डर में खड़े हुए सैनिक लोग जो भगवान भारत की रक्षा कर रहे हैं, उनकी दुआ के लिए उनकी रक्षा के लिए भगवान महाकाल से रक्षा करी। उनको भगवान महाकालेश्वर का लड्डू का भोग लगाया और सब उनसे प्रार्थना करी, भगवान हमारे देश की रक्षा करे, हमारे कोरोना की बीमारी समाप्त करे। पुजारी परिवार द्वारा बताया गया कि सभी के लिए भगवान बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगी और साथ ही कोरोना जिस प्रकार पूरे विश्व में फैला है, उसे निजात पाने के लिए भी बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा है। और आज ही के दिन 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगता था, लेकिन कोरोना के चलते इस वर्ष 21,000 लड्डुओं का बाबा महाकाल को भोग लगाया गया है। जो भोग प्रसादी लगाया, उसके बाद पूरे जो श्रद्धालु आएंगे उनमें प्रसाद बांटा जाएगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़।